जोजो किड्स। भालू की सवारी। एक दिन एक बंदर का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ गया। बहुत देर तक वह माँ को तलाश करता रहा, पर माँ नहीं मिली। बेचारा बच्चा अपनी माँ को याद करके रोने लगा। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? जल्दी वापस आ जाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ, माँ। बच्चे के रोने की आवाज सुन पास में सो रहे भालू ने कहा, अरे ये कौन इतनी जोर जोर से रो रहा है? भालू उठा और उस बच्चे के पास गया। अरे बेटा, क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? क्या बात है? और तुम अकेले क्यों हो? तुम्हारे साथ और कोई नहीं है क्या? नहीं, मेरे साथ मेरी माँ है, पर ना जाने वो अचानक कहाँ चली गई। इतना कहते ही बच्चा फिर से जोर जोर से रोने लगा। माँ, माँ। भालू से बच्चे का रोना देखा नहीं गया। उसने बच्चे को गोद में लिया और अपने कंधे पर बिठा लिया। बच्चा तुरंत चुप हो गया और ताली बजाने लगा। अरे वाह, ये तो चुप हो गया। चल बेटा, तुझे जंगल की सैर कराता हूँ। भालू बच्चे को देखकर बहुत खुश था। भालू ने पास के पेड़ से कुछ फल तोड़कर बच्चे को दे दिए और बच्चा उन्हें खाकर सो गया। अब इस बच्चे का क्या होगा? समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? भालू बच्चे को लेकर घूम रहा था, तभी उसने देखा एक बंदरिया को किसी ने बांध रखा है। कहीं इस बच्चे की माँ तो नहीं? चल कर पूछता हूँ। सुनो, क्या ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ हाँ, ये मेरा बच्चा है। मुझे एक मदारी पकड़कर अपने साथ ले आया है। शायद ये मुझे शहर ले जाना चाहता है। मैं तुम्हारी सहायता कभी नहीं भूलूंगी। अगर तुम मुझे बचा लो, ये रस्सियाँ खोल दो। अभी खोलता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। भालू ने तुरंत रस्सियाँ खोल दी और मदारी के आने से पहले पहले भालू, बंदरिया और छोटा बच्चा तीनों अपनी जान बचाकर भागे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी और मेरे बच्चे की जान बचाई है तुमने। तुम्हारा एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं चलती हूँ। भालू ने बच्चे को बहुत प्यार से अलविदा किया। शेर का सुझाव। एक दिन राजा शेर ने जंगल में सबको अपनी गुफा में बुलाया और पूछा, कहो क्या किसी को जंगल में कोई परेशानी है? वहाँ खड़े भेड़िये ने कहा, बहुत परेशानी है राजा जी। दूसरे जंगल के जानवर जब देखो हमारे जंगल में घुस आते हैं। तभी एक गाय ने कहा, हाँ ये बहुत बड़ी समस्या है। जंगल में कभी भी कहीं से भी कोई जानवर आ जाता है और हमें नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, सुनो, मैंने एक उपाय सोचा है जिससे हमारा जंगल हमेशा खुश रहेगा और जंगल में शांति रहेगी। क्या सुझाव है महाराज? मेरा सुझाव ये है कि आज से हर रोज दिन में और रात में कोई एक जानवर जंगल की चौकीदारी करेगा। अगर कोई भी हमारे जंगल में आने की कोशिश करेगा तो तुम मुझे बताओ, मैं उसे जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। हम किसी को भी जंगल में आने नहीं देंगे, इससे हमारे जंगल में कोई परेशानी नहीं होगी। कहो, यह उपाय सबको कैसा लगा? सभी जानवरों को राजा का यह उपाय बहुत अच्छा लगा। हाथी को यह बात सुनकर बहुत खुशी मिली। उसने कहा, ये अच्छा उपाय है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। हमें अपने जंगल को बचाना होगा। राजा जी, मैं चौकीदारी करने के लिए तैयार हूँ, बिना किसी परेशानी के। बस एक तकलीफ है। कहो क्या तकलीफ है?
मैं दिन और रात में चौकीदारी तो करूंगा, मगर भोजन की तलाश नहीं। मुझे अपने काम में बिल्कुल बाधा नहीं डालनी। तो ठीक है, आज से हाथी सिर्फ और सिर्फ चौकीदारी करेगा और बाकी के जानवर उसके खाने पीने का प्रबंध करेंगे। राजा की बात सुनकर सभी जानवरों ने कहा, जी राजा जी, आप ठीक कहते हो। आपका सुझाव बहुत अच्छा है, हम सबको पसंद है। और इस तरह हाथी खुशी खुशी जंगल का चौकीदार बन गया और राजा का सुझाव सबको पसंद आया। लड्डू का बंटवारा। एक दिन एक छोटी सी चींटी ने मंदिर के पास एक बड़ा सा लड्डू देखा। अरे वाह, कितना बड़ा लड्डू! अरे वाह, मजा आ गया! पर मैं अकेले इसे घर तक कैसे लेकर जाऊं? अगर सबको लेने गई तो कहीं इसे कोई और ना ले जाए। पहले जी भर कर खा लेती हूँ, फिर सबको बुलाती हूँ। चींटी लड्डू खाने ही वाली थी कि तभी अचानक एक बंदर आ पहुंचा और कहने लगा, ये लड्डू मेरा है, मुझे पुजारी ने दिया है। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, ये मेरा लड्डू है, मुझे मिला है। दोनों ही लड्डू के लिए लड़ने लगे। तभी चींटी ने कहा, देखो इस तरह लड़कर कोई फायदा नहीं, हमें समझदारी से काम लेना होगा। ठीक है, बताओ क्या करें। देखो बंदर, तुम तो लड्डू अकेले खा सकते हो, पर मैं चाहूं भी तो इतना बड़ा लड्डू अकेले नहीं खा सकती। तो तुम एक काम करो, जाकर रानी चींटी को लड्डू मिलने की खबर दो। तब तक मैं यही लड्डू को संभाल कर रखती हूँ। जब रानी चींटी आएगी तो हम इसे आधा आधा कर लेंगे, इसका बंटवारा कर लेंगे। फिर तुम आधा हिस्सा खा लेना और मैं बचा हुआ आधा हिस्सा अपनी रानी और सहेलियों के साथ खा लूंगी। ठीक है। बंदर तुरंत जाकर चींटी रानी को सारी खबर देकर आता है और चींटी अपने साथ सभी चींटियों को लेकर वहां पहुंचती है। फिर बंटवारा होते ही सभी ने लड्डू को मजे लेकर खाना शुरू कर दिया। अरे वाह चींटी, तुम बहुत समझदार निकली, तुम्हारी वजह से आज इस स्वादिष्ट लड्डू का मजा आ गया। धन्यवाद बंदर, तुमने भी मेरी बात मानी, तुम भी अच्छे हो। तुम्हारे कारण मैं और मेरे सभी साथियों ने आज लड्डू का मजा लिया। और इस तरह सभी ने मिलकर मीठे मीठे लड्डू को खा लिया। लोमड़ी का झूठ। जंगल की लोमड़ी से सब बहुत परेशान थे। वो सभी से हर बात पर झूठ कहती। वो कहती कि उसका निशाना सबसे अच्छा है, कोई भी शिकार उसके पंजे से बच नहीं सकता। मेरे जैसा कोई नहीं, मेरा कोई मुकाबला नहीं, जिसे चाहूं जब चाहूं अपना शिकार बना सकती हूं। सभी जानवर लोमड़ी के घमंड से बहुत परेशान थे। एक दिन सबने मिलकर एक उपाय बनाया और चूहे ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी जी जल्दी चलिए, एक राक्षस जंगल में घुसाया है, शेर हाथी सभी को उसने मार गिराया है। चलिए चलिए, अब आप ही हम सबको बचाइए। हम जानते हैं आपके पंजे से कोई बच नहीं सकता। अरे ये सब क्या हो गया, मैं राक्षस से कैसे खुद को बचाऊं? जिसने शेर और हाथी को नहीं छोड़ा उसे मैं कैसे मारूं? मुझे ये बलवान बनने का झूठ बहुत महंगा पड़ गया। चलो चलो लोमड़ी, जल्दी करो, हमारे पास समय बहुत कम है। सभी जानवर लोमड़ी को आवाज लगाने लगे, मगर लोमड़ी अपनी गुफा से बाहर आ ही नहीं रही थी। लोमड़ी बुरी तरह डर चुकी थी और कांप रही थी, लेकिन जब वह अपने ही जाल में फंस चुकी थी, उसने चूहे से कहा, चलो कहाँ चलना है, लेकिन आज मैं किसी को मारना नहीं चाहती,
क्योंकि आज मेरा जन्मदिन है। आप सभी को इस बात को समझना चाहिए। सभी जानवर जोर जोर से हंसते हुए बोले, फिर झूठ, आज तुम्हारा जन्मदिन नहीं है, ये तो राक्षस से बचने का बहाना हुआ। तभी वहाँ शेर, हाथी और बाकी जानवर आए। शेर ने कहा, क्या हुआ, डर गई लोमड़ी? आप जिंदा हो? मुझे कौन मारेगा, वो राक्षस? हा, हा, वो तो तुम्हारे रोज रोज के झूठ और डर को खत्म करने के लिए बोला गया नया झूठ था, समझी? आज के बाद जंगल के किसी जानवर को झूठ बोलकर डराना मत। अब हम सब जान चुके हैं तुम बहुत झूठी हो। मुझे माफ कर दो। और इस तरह लोमड़ी को सभी के सामने शर्मिंदगी हुई। प्लीज सब्सक्राइब।